कि अनुराग ढांडा नहीं आम आदमी जीतेगा। ये राज परिवारों का राज खत्म करना है। तीन राज परिवारों ने 30 साल से बंधक बना रखा है कलायत को। सीएम फेस अनुराग ढांडा माने ना माने, कोई आम आदमी सीएम फेस बनता है, कोई आम आदमी सीएम बनता है। आम लोग, आम जनता अब ये कह रही है अब आम आदमी जाएगा विधानसभा। इनसे बहुत परेशान हो चुके हैं पुराने नेताओं से। हमें देखना है उस शख्स को जो 5 महीने तक बीजेपी की तानाशाही के सामने झुका नहीं, जेल में उनको रखा गया, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी का हौसला बुलंद, गर्दन बिल्कुल ऊपर और पूरी शान के साथ बाहर आके दोबारा अपनी लड़ाई संघर्ष को शुरू किया है। काम तो ये करेंगे, कलायत के हर गांव में गंदा पानी ओवरफ्लो होके बहता रहता है, निकासी का इंतजाम नहीं है। अफसरों की पहली मीटिंग उसी गंदे पानी में बैठ के करेंगे, पहला काम ये करेंगे। अगर अफसर गंदे पानी में मीटिंग नहीं कर सकते तो मेरे गांव का भी एक भी आदमी गंदे पानी पे रहने को मजबूर नहीं होगा। आज हमारे बिना हरियाणा में कोई सरकार नहीं बन सकती किसी भी कीमत पे। कि जब सत्ता की चाबी हमारे हाथ में हो, जब हमारे काबू में चीजें हो, काम तो हम करा ही लेंगे। कोई भी सरकार बने, काम हम करा के देंगे। सुन रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कौन सी शख्सियत इस वक्त मेरे साथ बैठी है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो शख्स है अनुराग ढांडा, जो इस वक्त कलायत की पहचान बन गए हैं। देखिए, पहचान शब्द का प्रयोग मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे इस वक्त हुजूम उमड़ा हुआ है और वो हुजूम सिर्फ एक शख्स के लिए है। वो नाम है अनुराग ढांडा, जो इस वक्त बड़ी चुनौती बने हुए हैं, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, बल्कि इनेलो और निर्दलियों के लिए भी। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका। देखिए, नारे लगे हैं आपके कि अनुराग ढांडा जीतेगा। अपनी जीत को सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, कितना प्रबल मानते हैं आप? देखिए, अनुराग ढांडा नहीं आम आदमी जीतेगा। ये राज परिवारों का राज खत्म करना है। तीन राज परिवारों ने 30 साल से बंधक बना रखा है कलायत को, एक काम नहीं होने देते, एक मूलभूत सुविधा नहीं लेके आए कलायत के अंदर। इसलिए ये बदलाव की आंधी है। आम लोग, आम जनता अब ये कह रही है अब आम आदमी जाएगा विधानसभा। इनसे बहुत परेशान हो चुके हैं पुराने नेताओं से। और ये जो काफिला है, ये युवाओं का काफिला है, ये युवाओं का जोश है। युवा इस बार बदलाव चाहते हैं और करके रहेंगे। अनुराग जी, प्रचार में अब कुल मिलाकर देखें तो अंतिम दौर में प्रचार चल रहा है, तो क्या माना जाए कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता जो अभी तक मैदान में उतर रहे थे, बात चाहे मनीष सिसोदिया की जाए, अरविंद केजरीवाल की जाए, तो आपके प्रचार के लिए एक बार फिर हमें उनकी तस्वीरें देखने को मिलेंगी? देखिए, भगवंत मान जी आ चुके हैं कलायत, मनीष सिसोदिया जी मेरा नॉमिनेशन करा के गए थे, अरविंद केजरीवाल जी 28 तारीख को आ रहे हैं बालू में, और संजय सिंह जी 1 तारीख को आ रहे हैं कलायत में। तो सारे सीनियर लीडरशिप आम आदमी पार्टी की यहाँ प्रचार के लिए भी आ रही है और लोग उनका भरपूर स्वागत भी कर रहे हैं। लोग तो यहाँ पे तड़प रहे हैं कि एक बार सुनना है अरविंद केजरीवाल जी को। हमें देखना है उस शख्स को जो 5 महीने तक बीजेपी की तानाशाही के सामने झुका नहीं, जेल में उनको रखा गया, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी का हौसला बुलंद, गर्दन बिल्कुल ऊपर और पूरी शान के साथ बाहर आके दोबारा अपनी लड़ाई संघर्ष को शुरू किया है। ये सब लोग दीवाने हैं उनके। अनुराग, थोड़ा हटके सवाल पूछते हैं। देखिए, आपके सामने कमलेश ढांडा है, भारतीय जनता पार्टी से विकास है, कांग्रेस से जेपी का हाथ उनके पीछे है, इनेलो के उम्मीदवार है, जसपा के उम्मीदवार है, क्या अनुराग को डर नहीं लगता? मुझे ऊपर वाले से और माँ बाप के सिवा किसी से डर नहीं लगता। अगर इन लोगों का आशीर्वाद है हमारे साथ, अगर इन लोगों का प्यार है हमारे साथ, तो फिर डर किस बात का है? ये देखिए आगे बाइकों का काफिला, किस तरीके से युवा जोश के साथ, पीछे ट्रैक्टर और आगे बाइक है। पूरे कलायत के अंदर यही माहौल है। युवा अपने आप निकले हैं, ये कोई किराए की भीड़ नहीं है। इनको कोई किराया दे के, कोई पैसे दे के नहीं लाया गया, ये अपने मन से निकले हैं अपने घरों से, क्योंकि इनको एक उम्मीद नजर आ रही है कि कलायत में और हरियाणा में अब बदलाव हो सकता है, एक नई राजनीति की शुरुआत हो सकती है, इसलिए ये सारे लोग निकले हैं। अनुराग, महत्वपूर्ण सवाल, आपने बदलाव की बात करी, कोई लोग विकास के दावे कर रहा है, कोई बदलाव के दावे कर रहा है, कोई परिवर्तन की बात कह रहा है। अनुराग, अगर कलायत से विधायक चुनकर आते हैं तो कलायत के लिए क्या करेंगे? देखिए, पहला काम तो ये करेंगे, कलायत के हर गांव में गंदा पानी ओवरफ्लो होके बहता रहता है, निकासी का इंतजाम नहीं है। अफसरों की पहली मीटिंग उसी गंदे पानी में बैठ के करेंगे, पहला काम ये करेंगे। अगर अफसर गंदे पानी में मीटिंग नहीं कर सकते तो मेरे गांव का भी एक भी आदमी गंदे पानी पे रहने को मजबूर नहीं होगा। और अगर गांव के लोग गंदे पानी में रहेंगे तो अफसरों को भी फिर उसी गंदे पानी में बैठ के मीटिंग करनी पड़ेगी, ये सुनिश्चित कर देंगे। और कलायत के युवाओं के लिए ना कोई फैक्ट्री लगी कभी, ना कोई कंपनी लगी, ना रोजगार का इंतजाम हुआ, ना एक भी ढंग का हॉस्पिटल है, ना एक भी ढंग का सरकारी स्कूल है।
इन सारी चीजों पे काम करना है, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। पीने के पानी की व्यवस्था आज तक नहीं है, कलायत 30 साल पीछे है बाकी हरियाणा से और पूरे देश से। तो जीरो से काम शुरू करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे और सबके लिए मूलभूत सुविधाएं जुटाएंगे। अनुराग, बात पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की भी आ रही थी। देखिए, ये सवाल इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हाल ही में जेपी का बयान भी सामने आया। उनके जब बेटे चुनावी मैदान में उतरे तो वो सिर्फ उनके निशाने में ना सिर्फ कांग्रेस थी, सॉरी माफ कीजिए, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जसपा थी बल्कि अब आम आदमी पार्टी भी आ गए हैं। तो एक वक्त जो आपके दोस्त हुआ करते थे अब वही आपके कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी बन गए हैं। तो क्या लगता है कि कांग्रेस जो कभी आम आदमी पार्टी की दोस्त हुआ करती थी लोकसभा चुनावों में, तो उसका सामना कैसे करेंगे क्योंकि वो भी एंटी इनकंबेंसी भारतीय जनता पार्टी को की जो है उसको लेकर ही सवाल उठा रही है। देखिए जयप्रकाश जी, इसलिए आजकल उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हम पे भी इसलिए हमलावर हैं क्योंकि राजा को डर लग रहा है कि बेटा राजा नहीं बन पाएगा, बेटे की हार का डर लग रहा है राजा को, इसलिए वो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। अहंकार इतना सिर पे चढ़ा हुआ है उनके कि हमारी बहन बेटियों को गालियां दे रहे हैं, बुजुर्गों को लात मार रहे हैं। इस बार कलायत की जनता उनको ये भी सबक सिखाएगी कि सामाजिक जीवन में रहना है तो सबका सम्मान करना सीखना पड़ेगा। जमानत जब्त कराएंगे इस बार। अगर राजा को ये लगता है कि उन्हीं के बच्चे उन्हीं के बेटे राजा बनते रहेंगे तो ये गलत फहमी इस बार आम आदमी निकालेगा कलायत में उनकी। आखिरी सवाल लूंगा आपसे, प्रचंड आपको यहाँ पर साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, देखिए आम जनता का, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है आप, क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव 2024 के रण में आम आदमी पार्टी विधानसभा में कितनी सीटें लेकर पहुंचेगी? आज के दिन जो स्थिति है, हवा बहुत तेजी से बदल रही है और आम आदमी पार्टी को बहुत तेजी से समर्थन मिलता जा रहा है, लेकिन आज की प्रैक्टिकल स्थिति के ऊपर अगर मैं बताऊं तो आज हमारे बिना हरियाणा में कोई सरकार नहीं बन सकती किसी भी कीमत पे। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण योगदान, एक महत्वपूर्ण रोल आम आदमी पार्टी का रहने वाला है। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब सत्ता की चाबी हमारे हाथ में हो, जब हमारे काबू में चीजें हो, काम तो हम करा ही लेंगे। कोई भी सरकार बने, काम हम करा के देंगे, ये हम वादा करते हैं। बस लोगों को नया विकल्प चुनना चाहिए, नए विकल्प का स्वागत करना चाहिए। सीएम फेस अनुराग ढांडा, माने ना माने, कोई आम आदमी सीएम फेस बनता है, कोई आम आदमी सीएम बनता है आम आदमी पार्टी की सरकार में। पंजाब में भगवंत मान जी एक टीचर के बेटे तो हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी एक आम परिवार से आते हैं मुख्यमंत्री हैं, आतिशी जी भी एक आम परिवार से आती हैं मुख्यमंत्री बनी हैं दिल्ली की। तो मुझे लगता है कि किसी भी आम परिवार से कोई एक आम घर का बच्चा, कोई बेटा या बेटी बन जाएगा हरियाणा का सीएम, लेकिन इन राज परिवारों की सत्ता तोड़नी पड़ेगी। तो राज घरानों की सत्ता तोड़ने का दावा कर रहे हैं अनुराग ढांडा। देखिए मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूँ, कोई विकास के दावे कर रहा है, कोई बदलाव की बात कह रहा है, अब फैसला आखिर में कलायत की जनता के हाथ में है, हरियाणा की जनता के हाथ में है कि वो साथ किसका देती है। ये नारे लग रहे हैं अनुराग ढांडा के समर्थन में, अब देखते हैं कि ये नारे वोटों में कितना तब्दील होता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मेरे साथ मेरे कैमरामैन साहिब के साथ सौरभ, पंजाब के सीटीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।